हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी और आप सबको मेरी साइड से हैप्पी होली। ये रंगों का त्यौहार आप लोगों के लिए काफ़ी सारी खुशियाँ लेके आए और इस साल आप लोगों को जॉब मिले, जो लोग तैयारी कर रहे हैं मन लगा के, सबको जॉब मिल जाए। तो और पीछे की क्लासेस में कुछ दिन पोस्ट नहीं कर पाया था ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन अभी फिर से मैंने स्टार्ट की है दो दिनों से। लास्ट डे भी मैंने क्लास अपलोड की थी। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहेंगी और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, थोड़ा फ़ायदा उनको भी हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आप लोगों को PDF फाइल मिल जाएगी जिससे आप लोगों को रिविज़न करने में आसानी होगी। ठीक है जी, चलो फिर बातें ज़्यादा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज के इस वीडियो में हमारे पास टोटली न्यूज़, करंट अफेयर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो सारे की सारी अलग अलग जगह से न्यूज़ पेपर से उठाई हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट है आप लोगों के सामने कैग। कैग ने बेसिकली एक साइन किया है MOU किसके साथ में, IIT दिल्ली के साथ में। यही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए बनेगा कि कैग ने किसके साथ में टाई अप किया है, किसके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, किस IIT के साथ में, तो दिल्ली के साथ में, IIT दिल्ली के साथ में कैग ने टाई अप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जिससे वो अपने आप को डेवलप करेगा AI को यूज़ करके। आजकल आप लोगों को पता है बहुत कुछ चीज़ें आसान हो गई हैं और कैग का जो काम होता है वो ऑडिट करने का होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, हर किसी के लिए काम करता है। तो उनको भी आसानी होगी ऑडिट करने में, आगे जिन जितने भी ऑडिट उनको करने होंगे, तो उसके लिए उन्होंने IIT दिल्ली के साथ में टाई अप कर लिया है। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन रहेगा, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है IIT दिल्ली। और ये है मिस्टर गिरिराज चंद्र मुर्मू जो आप लोगों के सामने हैं, ये हैं हमारे कैग। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कैग कौन है इंडिया के। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है। धोनी बैग गरुड़ा एयरोस्पेस, जिसने एक ड्रोन लॉन्च किया है, सर्विलांस ड्रोन। यही आप लोगों से पूछा है कि इसका नाम क्या है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोगों के लिए कि धोनी ने कौन सी ड्रोन बनाने वाली कंपनी को खरीदा हुआ है। तो आप लोग आंसर देंगे गरुड़ा एयरोस्पेस। क्लियर है जी, ध्यान रखेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन बन रहा यहाँ से कि इसने हाल फिलहाल कौन सा ड्रोन लॉन्च किया है, ड्रोन का नाम क्या है। तो आप लोग आंसर देंगे त्रिशूल, इस ड्रोन का नाम आ जाएगा त्रिशूल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया है। तो यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए यहाँ से बनते हैं, दोनों बातें ध्यान रखनी है। धोनी बैग्ड कंपनी का नाम रहेगा गरुड़ एयरोस्पेस और कौन सा ड्रोन उन्होंने लॉन्च किया है, त्रिशूल, जो कि किस काम आएगा, बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करने के लिए इस ड्रोन का यूज़ किया जाएगा, जिसमें वो हर एक टाइप की ड्रोनिंग करेगा, जैसे कोई पीपल मूवमेंट अगर वहाँ पर है, कोई नेचुरल क्लाइमिटीज़ हुई है या किसी टाइप का कोई ट्रैफिक है, एसेसिंग ट्रैफिक, तो इन सब को वहाँ पे सर्विलांस किया जाएगा इस ड्रोन से। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किस कंपनी के साथ में, PPFAS असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है। अब क्या होगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर PPFAS के
जितने भी म्यूचुअल फंड होंगे उन म्यूचुअल फंड में अपने अकाउंट से इजीली वो लोग म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। और इस टाइप के प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए उन्होंने किस स्कीम को या इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दे दिया है, नाम दिया है डू इट योर सेल्फ मॉडल। ठीक है, मतलब आपका अकाउंट अगर इस बैंक में है तो आप अपने अकाउंट से यहाँ पे कुछ भी म्यूचुअल फंड परचेजिंग यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, जिसको नाम दे दिया गया डू इट योर सेल्फ। अपने आप करोगे तो इसको नाम दे दिया है डू इट योर सेल्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए बनेगा, कौन से बैंक ने PPFAS के साथ में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाई अप किया है? तो आंसर आ जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, 6-टाइम वुमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जिनका नाम है मैरी कॉम, इनको सब जानते हैं, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ डी मिशन। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली जो पेरिस ओलंपिक 2024 2024 में जो होने वाले हैं, उन ओलंपिक्स में इंडिया की साइड से मैरी कॉम होगी, जो भी यहाँ से हमारे इंडिया से प्लेयर्स जाने वाले खेलने के लिए, उन सबको असिस्ट करने वाली चीफ, उन सबका चीफ होगी हमारी टीम जितनी भी इंडिया में ओलंपिक, इंडिया की साइड से ओलंपिक में जाने वाली हैं, तो उसको नाम दिया जाता है चीफ डी मिशन। ठीक है, ओके। दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ से कि पैरा ओलंपिक 2024 में इंडिया की साइड से चीफ डी मिशन मिस मिशन के लिए चीफ किसको बनाया गया है, तो आप आंसर देंगे मैरी कॉम को। ये हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पेरिस ओलंपिक कहाँ पे होंगे, कब होंगे 2024 में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन जो रह चुके हैं, जिनका नाम है शरत कमल, ये इंडिया की साइड से फ्लैग बियरर होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया है कि पेरिस ओलंपिक गेम 2024 में इंडिया का फ्लैग बियरर कौन होगा, तो आप लोग आंसर देंगे शरत कमल। ठीक है जी, ओके, चलो नेक्स्ट है, मैरी कॉम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एट द 2012 लंदन ओलंपिक में थे और विल असिस्टेड बाय, इनके एक असिस्टेंट होंगे कौन, जिनका नाम होगा शिवा केशवन, जो इनको असिस्ट करेंगे। चीफ तो हो गई हैं इस मिशन की मैरी कॉम, और उनको असिस्ट करने वाले कौन होंगे, शिवा केशवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए यहाँ से बन सकता है, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है, तो आप लोग आंसर देंगे PT उषा, इनको सब लोग जानते हैं, उड़न परी इनको बोला जाता है, और ये इंडिया में अभी राज्यसभा मेंबर भी हैं। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, इंडिया का जो मिल्क ब्रांड है अमूल, सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने पिया भी होगा अमूल, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अमूल अभी दूध इंडिया से बाहर भी बिकने लगेगा, खरीद सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से सिंपल साधारण सा बनेगा कि कौन सी कंट्री है जहाँ पे इंडिया से बाहर अभी अमूल दूध मिलने लगेगा, तो आप लोग आंसर देंगे यूनाइटेड स्टेट्स, यानी US में भी अभी अमूल की सर्विसेज आप लोगों को मिलेंगी, और इसका लोगो क्या है, इस अमूल ब्रांड का टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ओके, चलो नेक्स्ट है, फ्लैश पे फेडरल बैंक ने NPCA के साथ पार्टनरशिप की है फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, यानी फेडरल बैंक ने एक ऐसी सर्विस लॉन्च कर दी है जिससे बिना किसी चीज़ को कॉन्टैक्ट किए कॉन्टैक्टलेस होगी वो चीज़, आप लोग पेमेंट कर सकते हो, और वो उस सर्विस का नाम क्या दिया है, सर्विस का नाम दिया है फ्लैश पे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन से बैंक ने किया है, फेडरल बैंक ने किया है, किसके साथ मिलके किया है, NPCA के साथ में, या फिर NPCA के साथ मिलके किया है, उसका सर्विस का नाम क्या रहेगा, फ्लैश पे रुपे स्मार्ट की चेन, यानी ये एक ऐसा की चेन होगा आप लोगों को, इसको छल्ला बोलते हैं, चाबी का गुच्छा, छल्ला कई जैसे कई
हमारे यहाँ चलना भी बोलते हैं, तो जो कीचेन होता है अब उसको आप यूज करके कोई भी पेमेंट कर सकते हो कॉन्टैक्टलेस, जैसे आप लोग डेबिट कार्ड यूज करते हो। कई जगह ऐसी हैं POS पे जहाँ आप लोग डेबिट कार्ड को इंसर्ट नहीं करते, सिर्फ टैप करते हो, टैप करने के बाद आपकी पेमेंट हो जाती है। तो वैसे ही ये उसी बेस पे ये काम करेगा। ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजी होती है वो टेक्नोलॉजी होती है NFC। कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? NFC, और NFC स्टैंड्स फॉर नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? जैसे हमारा डेबिट कार्ड, उसमें आप लोगों ने देखी है एक चिप होती है, वो चिप जहाँ कहीं भी आप टैप करते हो, उस चिप को टैप करने के बाद सारी की सारी बैंक डिटेल डिवाइस कैच कर लेता है और पेमेंट हमें जो करनी होती है वो पेमेंट हम कर पाते हैं। तो उसी टेक्नोलॉजी पे ये की चेन भी काम करेगा, जिसका नाम है फ्लैश पे। फेडरल बैंक ने ये लॉन्च किया है। अब इसके बारे में खास बातें क्या हो सकती हैं कि यहाँ पे 5,000 रुपये तक विदाउट पिन के लिए आप लोग पेमेंट कर सकते हो, अगर आप लोग इस सिस्टम को यूज़ करते हो तो। दूसरा, अगर आप लोग 5,000 से ज़्यादा पेमेंट करते हो तो उसके लिए आप लोगों को पिन की नीड होगी, यानी जैसे आप लोगों के पास OTP आता है, पिन कोड, पिन की नीड होती है। आप POS पे जाते हो, POS में इंसर्ट करने के बाद आप लोगों को अपना डेबिट कार्ड नंबर, जिसको ATM पिन बोलते हैं, वो डालना पड़ता है, तब आप पेमेंट करते हो। तो 5,000 रुपये तक की पेमेंट के लिए आप यहाँ पे आपको किसी भी पिन की नीड नहीं होगी, ठीक है जी। और पर डे लिमिट की अगर हम बात करेंगे किसी भी POS टर्मिनल पे, तो वो लिमिट कितनी है? 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए तक पर डे, एक दिन में आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो। किसी कोई भी पेमेंट 1 लाख रुपए तक की इस सिस्टम को यूज करके की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो फ्लैश पे, वो काम करेगा किस पे? टैप सर्विस पे, यानी जस्ट पे, आप जस्ट टैप आप लोगों को करना, जस्ट अ टैप यू हैव टू टर्न एंड यू कैन मेक योर पेमेंट, ठीक है। तो ये थी कुछ खास बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप लॉन्च की है। ऐप का नाम है नो योर कैंडिडेट, और ये किसके लिए है? वोटर्स के लिए, हमारे लिए। किसके लिए, क्यों लॉन्च की है? लोकसभा जो पोल अभी होने वाले हैं उसमें जिस कैंडिडेट को हम लोग वोट देने वाले हैं उसको हम चेक कर सकते हैं कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, वो साफ छवि का है या नहीं है। तो इस ऐप में आप जैसे जिस भी, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप लोगों को रहेगी उसकी डिटेल आप लोगों को इस ऐप में डालनी होगी, जिससे ये पता चलेगा कि कौन कैंडिडेट आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, और क्या उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। इस टाइप की डिटेल्स आप लोगों को मिलेंगी। तो इसका आप लोगों को नाम याद रखना होगा, नाम आ जाएगा नो योर कैंडिडेट, और इसको एब्रिविएशन पे अगर पूछा जाएगा तो KYC आप लोगों को ध्यान रखना है। एक KYC होता है जो आप लोगों को अपने KYC फुलफिल करने होते हैं बैंक के लिए, नो योर कस्टमर जिसको बोलते हैं, और बैंक वगैरह में आप लोगों को फुलफिल करने होते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन के बेस पे बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को देनी होगी, नो योर कैंडिडेट, ठीक है जी। और अब की बार के जो इलेक्शन हैं वो 7 फेजेस में हो रहे हैं, सबको पता है, और उसके साथ में, उस लोकसभा के इलेक्शन के साथ में कुछ स्टेट हैं जहाँ पे विधानसभा के भी वोट होंगे, इलेक्शन होंगे, जिनमें फर्स्ट एक आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन स्टेट्स में यहाँ पे अभी विधानसभा के इलेक्शन भी होंगे लोकसभा के इलेक्शन के साथ में, ठीक है जी। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखने के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के लिए बनता है कि ऐप का नाम क्या होगा, ये सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, एक टर्म है जिसका नाम है MDR। MDR स्टैंड फॉर मर्चेंट डिस्काउंट रेट। क्या होता है? तो MDR एक फी होती है जो कि चार्ज करता है कोई भी बैंक प्रोसेस करने के लिए किसी भी ट्रांजैक्शन को, यानी आप कोई भी अपने बैंक से अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए जो चार्ज आप लोग पे करते हो वो चार्ज होता है MDR, ठीक है। ये यूजुअली परसेंटेज पे होता है, जो टोटल ट्रांजैक्शन आप लोग कर रहे होते हैं उसके ऊपर, और ये चार्ज वेरी करता है, कहीं पे 1% भी लगता है, कहीं पे 2%, कभी 1.5%, कभी यानी 1 से 3% के बीच में ये MDR की
चार्ज आप लोगों को पे करना होता है। तो MDR की फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन बन सकता है कि MDR स्टैंड फॉर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये एक ऐसी एंटिटी है, इंडस्ट्री है, बॉडी है जो डिजिटल लेंडर्स के ऊपर काम करती है। जितने भी ऑनलाइन लोन देने वाली जो कंपनीज हैं और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनको रेगुलेटर कौन, उनका रेगुलेटर कौन है? तो आप लोग आंसर देंगे फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बन गया है। अब इसने क्या किया है, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा है कि जितनी भी फिनटेक कंपनीज हैं उन्होंने अब तक 33,922 करोड़ रुपए की डिसबर्समेंट की है लोन की, ऑनलाइन लोन यहाँ तक दिया जा चुका है। थर्ड क्वार्टर की बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। तो सिंपल साधारण सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितने रुपए का लोन फिनटेक फॉर्म्स के द्वारा दिया गया है। तो इसका आप लोग आंसर देंगे 33,922 करोड़। और परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो इसमें 46% का इंक्रीज हुआ है, 46% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी। दूसरा, लोन वैल्यू ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो द नंबर ऑफ लोन डिस्पर्स इन क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2024 इंक्रीज बाई 12%। सेकेंड क्वार्टर में ये सेकेंड क्वार्टर से ही कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इसमें, तो 12% की। और दूसरी बात, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे बात करेंगे तो यहाँ जो जो लेडीज़ को दी गई है उसमें भी 12% का लोन डिसबर्समेंट है, जो टोटल उसमें से 12% जितना भी लोन डिसबर्स हुआ है उसमें से 12% महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। तो ये डेटा मुझे नहीं लगता कि हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को उठा के दिया है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे IBA को लेके, इंडियन बैंक एसोसिएशन। उनका हाल फिलहाल MD एंड CEO बनाया गया है, तो उनका नाम आप लोगों ने लोगों से पूछा जा सकता है। तो MV राव को इंडियन बैंक एसोसिएशन का MD एंड CEO बनाया गया है, सॉरी माफ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी, चेयरमैन होता है MD एंड CEO नहीं होता है IBA का, आई एम सो सॉरी, माफ करना। तो क्वेश्चन यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए बनेगा कि IBA का चेयरमैन किनको बनाया गया है, तो आप लोग आंसर देंगे मिस्टर MV राव, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं, उनको इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। इन्होंने रिप्लेस किनको किया है, तो अतुल गोयल को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO थे। और ये आप लोगों के सामने जो बैठे हुए हैं ये हैं मिस्टर MP राव, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, एलोन मस्क सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने अभी एक ब्रेन चिप बनाई थी, और जिस उनके जिस स्टार्टअप ने ब्रेन चिप बनाई, स्टार्टअप का नाम है न्यूरोलिंक। और इन्होंने एक आदमी के दिमाग में जो कि पैरालाइज था, उनके दिमाग में एक चिप लगा दी गई। ये चिप से किसी डिवाइस को हैंडल कर सकता है कोई इंसान, जैसे कि जो फोटो में आप लोगों के सामने है, इसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में ये पैर कमर से नीचे का इनका हिस्सा काम नहीं कर रहा था, तो इनको इनके माइंड में एक चिप लगाई गई। और जैसे आप लोग अगर देख पा रहे हो तो ये आप लोगों के सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है और लैपटॉप में चेस खेला जा रहा है। तो एक चिप इनके माइंड में डाली गई और यहाँ जो माउस है इस लैपटॉप के अंदर, वो आपस में कनेक्टेड हैं। ये अपने माइंड से उस माउस को हैंडल कर रहा है और चेस खेल रहा था, जो ये कामयाब हुआ है। कोई भी ब्रेन चिप जो लगाई गई है कामयाब हुई है, तो इसी करके न्यूज़ में थी। तो कंपनी का नाम आप लोगों को याद रखना है, कंपनी का नाम रहेगा न्यूरोलिंक लाइव, न्यूरोलिंक, क्लियर है। और यहाँ पे उस इंसान का नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग आंसर देंगे नोलैंड एयरबर्ग, ये उस इंसान का नाम है जिनके माइंड में पहली बार कोई चिप लगाई गई थी।
तो जनरल न्यूज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया, तो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये है आज का फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, पिग किडनी। पिग की जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट हुई है किसी जिंदा इंसान में पहली बार, है ना, गजब की न्यूज़, ध्यान रखना। तो मैसेज जनरल हॉस्पिटल जो यूएसए में है वहाँ पे किसी पिग की किडनी को किसी जिंदा इंसान के साथ में ट्रांसप्लांट किया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। और उस इंसान का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, जिनका नाम है रिक स्लेमन, ये नाम आप लोगों को याद रखना होगा, जो हमारे लिए पूछा जा सकता है, जो पहली बार किसी सुअर की किडनी किसी इंसान में लगाई गई है। हालांकि उनको उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया गया था अलग टाइप से, उसके बाद में हुआ था और ये सक्सेस भी हुआ है, ये भी थोड़ी गजब की न्यूज़ है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है जी, तो फिर ये था आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा। तो आज के लिए वीडियो एंड करने से पहले अगेन आप लोगों को हैप्पी होली, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली हर एक वीडियो की पीडीएफ यहाँ से मिलती रहेगी, जिससे आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। और चैनल आप लोगों को योर बैंकिंग मास्टर के नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ पे इस वीडियो को जैसे ही मैं एंड करूँगा, ये यहाँ पे वीडियो पोस्ट हो रही होगी, वहाँ पे इसकी आप लोगों को पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है जी, तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।